नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के एपिसोड वन में सो so गाइज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट दावर ऑफ द एक्ट पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज नोटिस बाई ऑक्यूपायर एंड जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर तो इस पहले एपिसोड में हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को गाइज सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है फैक्ट्रीज एक्ट एक्ट 1948 एक्सटेंट लागू होता है तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में ये एक्ट लागू होता है फर्स्ट अप्रैल 1949 को ये एक्ट फोर्स में आया था नेक्स्ट बात करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में सो so, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एंड रेगुलेट हेल्थ कंडीशन जो वर्कर्स फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए सेफ्टी एट वर्क प्लेस जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए उस वर्क प्लेस में फैक्ट्री के अंदर आर्स ऑफ वर्क ओवर टाइम एक्सेट्रा यानि की आर्स ऑफ वर्क और ओवर टाइम इनकी लिमिटेशन सेट की जाए जब इनिशियल स्टेज में जब ये एक्ट नहीं आया था उस टाइम में जो है वर्कर्स से काफी काफी देर तक काम कराया जाता था पंद्रह पंद्रह बीस बीस घंटे काम कराया जाता था और उसके लिए इनको जो रिटर्न में जो पैसा दिया जाता था वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता था तो इसी के लिए ये भी इसमें ऐड किया हुआ है आर्स ऑफ वर्क एंड ओवर टाइम टू प्रोवाइड एनुअल लीव विद वेजेस यानी कि जब ये एक्ट नहीं आया था तो उस वक्त में अगर एम्प्लॉयज कोई छुट्टी लेते थे तो उसके लिए उनका पैसा कटता था और उनको लीव लेना अलाउड ही नहीं था जब तक कि कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए तो ये मैंडेट करने के लिए कि साल में हर वर्कर को कुछ जो नंबर ऑफ लीव्स है मिले विद वेजेस यानी कि अगर वो छुट्टी ले तो उसका डिडक्शन ना हो नेक्स्ट है अदर वेलफेयर फैसिलिटीज यानी कि फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के लिए अदर वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यानी कि किसी भी एक्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए उस एक्ट में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनके डेफिनेशन को समझना बहुत ही जरूरी होता है तो सबसे पहले समझते हैं एडल्ट वो पर्सन जिसने की 18 साल की एज कंप्लीट कर ली है उसको एडल्ट माना जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर एडोलसेंट 15 से लेके 18 साल के बीच में आने वाले लोगों को एडोलसेंट कहा जाता है नेक्स्ट है चाइल्ड चाइल्ड उन लोगों को बोला जाएगा जो लोग की अभी पंद्रह साल के नहीं हुए हैं पंद्रह साल से कम उम्र के लोगों को चाइल्ड माना जाता है इस एक्ट के तहत नेक्स्ट है यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज ईदर अ चाइल्ड और एन एडोलसेंट यानी कि कोई भी पर्सन जो कि एक चाइल्ड या एडोलसेंट की डेफिनेशन के अंदर आता है उसको यंग पर्सन माना जाता है यानी कि कोई भी पर्सन जिसने अभी 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है उसको यंग पर्सन माना जाएगा इस एक्ट के तहत अगली डेफिनेशन समझते हैं डे 24 फोर आवर्स के पीरियड को जो कि मिडनाइट में शुरू होता है उसको दिन कहा जाता है वीक सेवन डेज के पीरियड को जो कि मिडनाइट में बिगिन होता है सैटरडे के या किसी भी अदर डे के जो कि अप्रूव किया गया है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा रिटर्न में नेक्स्ट है पावर पावर मींस एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को यहां पे पावर कहा गया है जो कि मैकेनिकली ट्रांसमिट किया जा रहा हो ना कि किसी भी ह्यूमन या एनिमल एजेंसी के यूज से किया जा रहा हो तो उसको पावर कहा जाएगा नेक्स्ट है मशीनरी मशीनरी किसी भी प्राइम मूवर्स को ट्रांसमिशन मशीनरी को या किसी भी ऐसे अप्लाइंसेस को कहा जाता है जहां की पावर जनरेट किया जा रहा हो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा हो ट्रांसमिट किया जा रहा हो या उसमें अप्लाई किया जा रहा हो तो उसको हम मशीनरी बोलेंगे नेक्स्ट आ जाता है हजारडर्स प्रोसेस जैसे कि नाम बता रहा है हजार प्रोसेस मतलब खतरनाक प्रोसेस हजार्डस प्रोसेस किसी भी ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें जिस प्रोसेस में यूज़ किए जाने वाले रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स वेस्ट एफिलेंट्स इन सभी के संपर्क में आने वाले जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ पे अगर कोई असर पड़ता हो या फिर इन सभी रॉ मटीरियल्स फिनिश प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वेस्ट एफिलेंट्स इन सब की वजह से जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचता हो एन्वायरमेंट में पॉल्यूशन अगर होता हो तो उसको हजार्डस प्रोसेस बोला जाएगा नेक्स्ट समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक फैक्ट्री के अंदर किसी भी ऐसे प्रोसेस को कहा जा सकता है जहां पे मेकिंग अल्टरिंग, रिपेयरिंग ऑर्नामेंटिंग फिनिशिंग पैकिंग ऑयलिंग वॉशिंग क्लीनिंग ब्रेकिंग अप डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडाप्टिंग एनी आर्टिकल और सबस्टांस विद अ व्यू ऑफ इट यूज सेल ट्रांसफर डिलीवरी और डिस्पोजल पंपिंग ऑयल water sewage or any other substance generating transforming and transmitting of power composing types of printing printing by letterpress lithography or other similar process or book binding or constructing reconstructing repairing refitting finishing or breaking up ships or vessels or preserving or storing any article in the cold storage यानी कि ये जितने भी प्रोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं नेक्स्ट समझते हैं ऑक्यूपायर एक फॉर्म के केस में या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के केस में कोई भी एक इंडिविजुअल जो कि पार्टनर या मेंबर है उस एसोसिएशन का उसको ऑक्यूपायर माना जाता है एक कंपनी के केस में जितने भी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन सब में से किसी भी एक डायरेक्टर को ऑक्युपायर बोला जाता है कोई फैक्ट्री अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा ओन की गई है तो उस केस में उस पर्सन को ऑक्युपायर माना जाएगा जिसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा उस फैक्ट्री के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्कर की जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंप्लॉय किया गया हो फैक्ट्री के अंदर विद और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रेम्यूनोरेशन और नॉट चाहे उसको पैसे के लिए एम्प्लॉय किया गया हो या ना किया गया हो और अगर वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर एंगेज किया गया है चाहे वो क्लीनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ मशीनरी हो या प्रेमिस हो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है या किसी भी अन्य प्रकार के काम को करने के लिए जो कि किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ हो उसको वर्कर माना जाता है इस एक्ट के तहत यूनियन के आर्म फोर्सेस को यहाँ पे वर्कर नहीं माना जाएगा नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फैक्ट्री किसी भी ऐसे प्रमिशिस के अंदर जहां पर पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया हो और जहां पे फैक्ट्री के किसी भी पार्ट में अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है विद द एड ऑफ पावर तो उस केस में उस प्रमिसेस को फैक्ट्री माना जाएगा एक और डेफिनेशन है यहाँ पे किसी प्रेमिस के अंदर पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन अगर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स एंगेज किए गए हों और उस premises के अंदर किसी भी पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है विदाउट एड ऑफ पावर तो इन दैट सिचुएशन उस प्रेमिस को भी फैक्ट्री मान लिया जाएगा यानी कि विद एड ऑफ पावर वाले सिचुएशन में दस या दस से ज्यादा वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन काम किया हो तो उसको फैक्ट्री मान लिया जाएगा विदाउट एड ऑफ पावर अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी प्रेमिस के अंदर और वहां पे पिछले 12 महीनों में 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स ने किसी भी दिन अगर काम किया है तो उस केस में भी उस एस्टेब्लिशमेंट को फैक्ट्री मान लिया जाएगा बट डज नॉट इंक्लूड अ अइंड सब्जेक्ट टू देशन ऑफ द माइंड एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू और अ मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू दी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन रेलवे रनिंग शेड और अ होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेज इन जगहों को फैक्ट्री नहीं माना जाएगा अब समझते हैं पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो है पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज और टू और मोर फैक्ट्रीज टू बी अ सिंगल फैक्ट्री यानी कि स्टेट गवर्नमेंट खुद से या किसी भी ऑक्यूपायर के द्वारा दिए गए के हाँ पे एक ऑर्डर में किसी भी दो डिफरेंट ब्रांचेस को एक फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकता है या दो अलग अलग फैक्ट्रीज को एक सिंगल फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकता है लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी डिसीजन वो तब तक नहीं देगा जब तक कि उसने ऑक्यूपायर को एक चांस ना दिया हो अपना पक्ष रखने का अब समझते हैं पावर टू एग्जाम ड्यूरिंग इमरजेंसी तो यहाँ पे इमरजेंसी किसको किसको कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि, कि किसी भी नेशनल इमरजेंसी के सिचुएशन में वो एक गजेट नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी फैक्ट्री को या फैक्ट्री के डेफिनेशन के अंदर आने वाले किसी वैसे ऐसे को किसी एक प्रोविजन या फैक्ट्रीज एक्ट के सभी प्रोविजन से एग्जेप्ट कर सकता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एक बार में तीन महीने से ज्यादा के लिए एग्जाम्शन नहीं दे सकती है यहां समझते हैं पब्लिक इमरजेंसी क्या है पब्लिक इमरजेंसी उस सिचुएशन को कहा जाएगा जबकि इंडिया की सिक्योरिटी अगर खतरे में है या फिर इंडिया के किसी भी ऐसे पार्ट में किसी भी टेरिटरी में अगर खतरा है किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेज के द्वारा या कि वॉर के सिचुएशन में इन सभी सिचुएशन को पब्लिक इमरजेंसी माना जाता है अब नेक्स्ट बात करेंगे अप्रूवल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स requiring for the submissions of plan of any class or description of factories to the chief inspector or the state government किसी भी फैक्ट्री के सेटअप से पहले फैक्ट्री ओनर्स को परमिशन लेना होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड चीफ इंस्पेक्टर से उस फैक्ट्री के सेटअप के लिए तो उस केस में जो परमिशन लेना है उसको कैसे लेना है कैसे प्लान को सबमिट करना है क्या क्या डिस्क्रिप्शन उन्हें उस एप्लीकेशन में डालना है इन सभी से रिलेटेड रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है फैक्ट्रीज के ओनर्स ऑक्यूपायर्स को प्रायर परमिशन लेना होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड चीफ इंस्पेक्टर से किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए या अगर कोई एक फैक्ट्री बढ़ानी है उसके लिए भी या किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर वो फैक्ट्री के अंदर कर रहे हैं तो उस केस में उन्हें प्रायर परमिशन लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट से फैक्ट्री से रिलेटेड जो प्लान हैं कैसे स्पेसिफिकेशन फैक्ट्री की स्पेसिफिकेशन जो हैं वो सारी चीजें सबमिट करने से रिलेटेड भी रूल्स यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है किस तरीके से उन प्लान को प्रेस्क्राइब करना है स्पेसिफाई करना है और ये सारी चीजें किनके द्वारा सर्टिफाई की जाएंगी इससे रिलेटेड रूल्स भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है या कितना फी लेना है रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंसिंग के लिए या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसिंग के लिए इन सभी चीजों से रिलेटेड रूल्स भी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं नोटिस बाय दी ऑक्यूपायर बिना उस नोटिस के किसी भी ओनर को ऑक्यूपायर को कोई भी किसी भी प्रकार का लाइसेंस ना तो ग्रांट किया जा सकता है ना ही रिन्यू किया जा सकता है इससे रिलेटेड रूल्स भी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है अगर किसी ऑक्यूपायर के द्वारा किसी भी फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन या फिर एक्सटेंशन के लिए अगर कोई एप्लीकेशन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को और उस एप्लीकेशन पे अगर तीन महीनों के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं आता है इन दैट केस उस एप्लीकेशन पर परमिशन ग्रांटेड माना जाएगा यानी कि वो एप्लीकेशन परमिटेड माना जाएगा अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा किसी भी फैक्ट्री के साइट के कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन या फिर फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस से रिलेटेड किसी भी एप्लीकेशन को अगर deny किया एप्लीकेंट है, है, तो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है विद इन थर्टी डेज ऑफ दैट रिफ्यूजल आप समझते हैं नोटिस बाय ऑक्यूपायर बिना इस नोटिस के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को परमिशन ग्रांट नहीं करता है किसी भी ऑक्यूपायर को किसी भी फैक्ट्री के प्रमिसेस को यूज करने के पंद्रह दिन पहले ही चीफ इंस्पेक्टर को एक नोटिस भेजना होता है वो नोटिस क्या है उस नोटिस के अंदर क्या क्या होना चाहिए फैक्ट्री का नाम और एड्रेस द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रेमिसेस और बिल्डिंग द एड्रेस टू विच कॉम्युनिकेशन रिलेटेड टू द फैक्ट्री मे बी सेंट द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस केस में जबकि कोई फैक्ट्री ऑलरेडी रन कर रही थी अगर उस फैक्ट्री के अंदर ये एक्ट किसी दिन अप्लीकेबल हो जाता है इन दैट केस उनको यह भी स्पेसिफाई करना होगा कि किस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पिछले 12 महीनों में उस फैक्ट्री के अंदर होता आया है और अगले 12 महीनों में किस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाला है नेक्स्ट है द टोटल रेटेड हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड और टू बी इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री विच शैल नॉट इंक्लूड द रेटेड हॉर्स पावर ऑफ एनी सेपरेट स्टैंड बाय प्लांट द नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट उस फैक्ट्री में मैनेजर कौन है उसका नाम स्पेसिफाई करना होगा द नंबर ऑफ वर्कर्स लाइकली टू बी एम्प्लॉयड इन द यानी कि उस फैक्ट्री के अंदर और कितने वर्कर्स जो है नए इम्प्लॉय करने वाले हैं हर रोज कितने नए वर्कर इंप्लॉय किए गए हैं उस फैक्ट्री के अंदर पिछले बारह महीनों में इन केस अगर फैक्ट्री पहले से ही एग्जिस्टेंस में है सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब वो फैक्ट्री जो कि फर्स्ट टाइम इस एक्ट के अधीन आई है उनको ये रिटर्न नोटिस इन डिटेल्स के साथ 30 दिनों के अंदर अंदर भेजना होता है चीफ इंस्पेक्टर को बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट अगर कोई सीजनल फैक्ट्री है जो कि साल में 180 दिन से कम काम करती है सो इन दैट केस काम को रिज्यूम करने के 30 दिन पहले ही उनको ये रिटर्न नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को भेजना होता है फैक्ट्री के अंदर जब एक नया मैनेजर अपॉइंट किया जाता है इन दैट केस ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंस्पेक्टर को एक रिटर्न नोटिस भेजे हिम भेजेजर के अपॉइंटमेंट के सात दिन के अंदर अंदर उस नोटिस की एक कॉपी उसको चीफ इंस्पेक्टर को भी भेजना होता है कोई भी ऐसा पीरियड जबकि एक फैक्ट्री के अंदर किसी भी पर्सन को मैनेजर अपॉइंट नहीं किया गया है या फिर जो भी पर्सन मैनेजर है वो एट करेंट उस फैक्ट्री को मैनेज नहीं कर रहा है या ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि मैनेजर माना जा सके उस फैक्ट्री के अंदर तो इन दैट केस जो फैक्ट्री का ऑक्युपायर है उसी को मैनेजर मान लिया जाएगा इस एक्ट के लिए नेक्स्ट एंड लास्ट जनरल ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्युपायर एक ऑक्यूपायर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं इस एक्ट के तहत ये समझते हैं एवरी ऑक्युपायर शैल इंश्योर हर ऑक्युपायर को वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान रखना होता है जब तक वो उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं ऑक्यूपायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्लांट्स की मेंटेनेंस और सिस्टम की मेंटेनेंस करे सो so दैट उस फैक्ट्री का एनवायरनमेंट सेफ हो इस चीज का भी ध्यान रखना होगा ऑक्यूपायर्स को कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो कि यूज किया जा रहा है हैंडल किया जा रहा है स्टोर किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उससे कनेक्टेड कोई भी ऐसा रिस्क ना हो साथ ही ऑक्यूपायर्स को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि फैक्ट्री के अंदर एक सेफ वर्किंग एनवायरमेंट बनाने के लिए उनके पास प्रोविजन्स हो और उन प्रोविजन की मेंटेनेंस हो रही हो साथ में मॉनिटरिंग हो रही हो कि वो इफेक्टिवली काम हो रहा है कि नहीं प्लस जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सेफ हैं कि नहीं विदाउट रिस्क हैं कि नहीं उनके हेल्थ पे कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है इन चीजों का भी ध्यान जो है ऑक्यूपायर को रखना होता है तो गाइज फैक्ट्रीज एक्ट के इस एपिसोड में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इस एक्ट को कंटिन्यू करते हुए और जानेंगे इस एक्ट के और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में